नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इचना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुधकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। सबसे पहले बता दें आपको क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में काफी हलचल चल रही है, कोल्ड ड्रिंक जिन्हें हम कहते हैं, वहां हॉट कारोबार हो रहा है। क्या है वजह और कहां आपको करना चाहिए फोकस, बताएंगे शो में। रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी से क्या असर पड़ता है आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर, ये भी समझेंगे। और साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज को शो में करेंगे शामिल। यूएस फेड की सख्त कमेंट्री से बाजार आज एक्सपायरी के दिन गिरावट पर बंद हुए। निफ्टी 17,630 के नीचे जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स में हमने 337 अंकों की गिरावट देखी। निफ्टी बैंक में 572 अंकों से ज्यादा की गिरावट दिखी। एफएमसीजी को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। दिन भर और बाजार में किस तरह की हलचल रही, बता रही है मेरी सहयोगी प्रियंका उपलानंद। देखिए, बाजार में आज एक गैप डाउन मिला था, लेकिन वो गैप डाउन रिकवर भी बहुत स्मार्टली हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में बाजार में फिर प्रेशर बढ़ा और अभी आप देख रहे हैं कि बाजार दूसरा दिन लगातार ये है जब हम लाल निशान में बंद हुए हैं। लगभग 17,600 के नीचे आप स्लिप हुए हैं, उसके आसपास बंद हुए हैं। मेजरली जो आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली है बैंकिंग स्पेस में, वो HDFC ट्विंस की तरफ से, ICICI बैंक की तरफ से देखने को मिली है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक जो है वो भी 41,000 के नीचे ही खुला था और यहाँ पर ये भी दूसरा दिन था जब डिक्लाइंस पर आपको बाजार देखने को मिला। निफ्टी ने हालांकि ब्रॉडर मार्केट से आपको यहाँ से स्मॉल कैप ट्रेडर्स वहाँ काफ़ी पॉजिटिव बायस आपको देखने को मिले और FMCG पैक हो, फार्मा पैक हो, डिफेंसिव बेट्स जो हम कल से बाजार में देख रहे हैं वो आज भी आपको ट्रेड देखने को मिला। सबसे ज़्यादा आपको निफ्टी में इस वक्त अगर हम बात करें कि लूजर्स किन स्टॉक्स ने नीचे की तरफ ड्रैग किया, तो उसमें HDFC की बात हुई, ONGC जैसे काउंटर और दूसरे PSU स्टॉक्स थे जैसे कि पावर ग्रिड हो, पावर स्टॉक्स हो, यूटिलिटी स्टॉक्स हो, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स थे। गेनर्स कौन से थे? गेनर्स वो स्टॉक थे जैसे एशियन पेंट्स जैसे पेंट स्टॉक्स हुए, क्योंकि क्रूड की गिरावट का यहाँ फायदा मिलता है। और उसके बाद फेस्टिव डिमांड एक बड़ा ट्रिगर है जिसके चलते आपने टाइटन जैसे स्टॉक्स में आज अच्छे मूव्स आते हुए देखे। फार्मा स्पेस में HUL हो, ब्रिटानिया हो, वहाँ अपग्रेड्स की बात लगातार आप देख रहे हैं कि आज भी तीसरा दिन था जब यहाँ मूव सी, कल बड़ी मूव सी और आज भी इस मूव को कैचअप करते हुए दिखाई दी। ऑटो स्पेस में आपको मारुति जैसे काउंटर्स में एक अच्छी परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट ऑटो एंसरी जैसे भारत फोर्ज हो, माथेसन सुमी हो, वहाँ पर भी आपको लास्ट आर में देखने को तेजी देखने को मिली थी और लॉजिस्टिक काउंटर्स में भी एक मोमेंटम वापस देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स की आप बात करें तो वहाँ कुछ की काउंटर्स जिन्हें जरूर हाईलाइट करना चाहेंगे। केमिकल स्पेस में टाटा केमिकल जैसे काउंटर में बड़ी मूव देखने को मिली, वरुण बेवरेजेस में बड़ी मूव देखने को मिली। हमने एक स्पेशल रिपोर्ट भी दी थी कि किस तरह से कोक का प्रोडक्शन जो है वो कितनी बड़ी इंडिया को एज अ मार्केट देखता है, और क्योंकि इस स्पेस से वरुण बेवरेजेस एक सप्लायर है पेप्सिको की भी, तो उनके लिए भी वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बहुत रॉबस्ट रहेगा। इस बेसिस पर आप देखेंगे वरुण बेवरेजेस में भी आज एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला। मिड कैप लूजर्स में एक काउंटर जिसकी जाहिर तौर पर बात करनी चाहिए वो है फोर्टिस हेल्थ केयर, क्योंकि यहाँ पर एक वर्डिक्ट आया और वर्डिक्ट फेवर में नहीं आया, ओपन ऑफर पर स्टे लगाने की बात हुई जिसके चलते स्टॉक ने अच्छा खासा रिएक्शन भी दिया। 18% तक के नीचे की मूव देखने के बाद अब 15% तक की मूव के डेंट के साथ फोर्टिस हेल्थ केयर बंद हुआ। तो ओवरऑल बाजार पर आज ग्लोबल मार्केट्स का एक सेंटिमेंट हावी था, हमारे यहाँ एक्सपायरी थी, इसलिए ट्रेड्स में वॉलिटिलिटी दोनों तरह के मूव दिखी। बियर्स एंड बुल के बीच में क्लियरली आपको एक टसल दिखी और आज दूसरा दिन है जब बाजार लाल निशान पर बंद हुए। बिल्कुल, लगातार दूसरा दिन जब बाजार लाल निशान के साथ बंद हुआ, लेकिन आज जो रिकवरी देखने को मिली थी सेकंड हाफ में, क्या वो रिकवरी कल जारी रह सकती है? दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ, देवांग शाह और रवि सिंह, उनसे पूछते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। देवांग, क्या लगता है हमने जो रिकवरी देखी आज निचले स्तरों से, उसमें ऐसा लग रहा था एक बार की तो शायद बाजार ग्रीन में जाकर बंद होगा, वो हो नहीं पाया, इस रिकवरी में कोई दम है? ओवरऑल मार्केट की बात करें तो हमने आज काफी वॉलेटाइल सेशन देखा हुआ है। यहाँ पे एक इमीडिएट सपोर्ट था 17,450, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए, और यहाँ पे से ही हमने एक रिबाउंड देखा मार्केट में। तो ओवरऑल इस तरीके की वॉलेटिलिटी हमें आगे भी देखने मिल सकती है, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की सलाह रहेगी। अग्रेसिव ट्रेडर ही ट्रेड करे विद द स्टॉप लॉस। जहां तक सपोर्ट की, निफ्टी सपोर्ट की बात कर रहे हैं, 17,500 का सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें, 17,850 रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी फ्यूचर के लिए। 17,850 जो है वो रेजिस्टेंट है और 17,500 जो है वो एक सपोर्ट है। लेकिन रवि, अपॉर्चुनिटीज ऐसा लगता है ऐसे बाजार में शायद ज्यादा बनती हैं जहां वॉलेटिलिटी ज्यादा हो, आपको बस ढूंढनी होती है, उस पर हम चर्चा आगे करेंगे ब्रॉडली। लेकिन सवाल मेरा वही है, आज जो रिकवरी की कोशिश की बाजार ने, जब पचा लिया कि यूएस के फेड ने जो है ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, अब क्या देखेगा, नेक्स्ट ट्रिगर क्या होगा बाजार के लिए अगर उसको अपसाइड मूव करना है तो? देखिए, नेक्स्ट ट्रिगर के लिए दो चीजें हैं। एक तो पहली बात है कि जो आगे के नंबर्स निकल कर देखने को मिलेंगे उन पे थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी अगर देखने को मिलती है, चाहे यूएस के जॉबलेस क्लेम डेटा हो, और
एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पर रुपी जिस तरीके से वीक हुआ है वो काफी हद तक अब माहौल को निगेटिव कर रहा है, और इस समय अगर आरबीआई थोड़ा स्टेप लेती है और रुपी को वापस से कंट्रोल करती है तो मार्केट में फिर से एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ नजर आ सकता है। तो डायरेक्ट अगर जो रिलेशन यहाँ पर डेवलप हो रहा है वो काफी हद तक इंपॉर्टेंट है कि रुपी की वीकनेस किसी भी तरीके से रुकनी चाहिए। हालांकि 75 बेसिस पॉइंट यहाँ पर डिस्काउंटेड था, लेकिन उसके बावजूद भी रुपया का रिएक्शन थोड़ा ज्यादा रहा, ओवर रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिला। रही बात अगर इंडेक्स की यहाँ पर करते हैं तो देखिए निफ्टी में अभी थोड़ा बहुत तो पॉजिटिविटी जो है वो इस वजह से भी बनी हुई है क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन्स हैं और अर्निंग्स अच्छी रही हैं, तो उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें क्लियर कट है कि इंट्राडे के हिसाब से अभी कल का जो माहौल है वो थोड़ा और परेशान कर सकता है और थोड़े से नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन आपकी बात ज्यादा अच्छी है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक राय अपनी रखिए, स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ बहुत से स्टॉक्स है जो आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं उनको लेने में ज्यादा ध्यान दीजिए। करेक्ट, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत जरूरी है, वॉलिटिलिटी बनी रहेगी बाजार में। हम देखा हमने आज कि आज तो काफ़ी वॉलिटाइल था बाजार, निचले स्तरों से रिकवरी कोशिश जरूर हुई थी, लेकिन रुपी की बात यहाँ पर की रवि ने और उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो भारी गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा आज। क्या वजह रही रुपये में इतनी गिरावट की? यूएस का फेड तो था ही, लेकिन और क्या एनालिसिस रहा? मेरे सहयोगी विश्व मोहन मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं पूरे एनालिसिस के साथ। देखिए, डॉलर के मुकाबले सिर्फ रुपया ही नहीं, दुनिया की जितनी भी ज़्यादातर बड़ी करेंसी में गिरावट है, चाहे वो ब्रिटिश पाउंड हो, यूरो हो या फिर जापानी येन हो, यहाँ पर भी पिछले एक साल में देखें तो 15 से 20% तक की गिरावट आई है। अगर उससे तुलना करें तो इंडियन रुपीज़ में एक साल में सिर्फ 7.5% इस साल ईयर टू डेट वो गिरावट आई है, और पिछले एक साल में करीब करीब 9% की गिरावट रुपये में डॉलर के मुकाबले आई है। सबसे बड़ी वजह यह है कि फेड लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है और इस साल 3% ब्याज दरें बढ़ा चुका है, लेकिन आरबीआई को अगर देखें तो 1.4% ही रेपो रेट इस बार बढ़ोतरी किया है। तो रेट का जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस की वजह से डॉलर ज़्यादा मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर रहा है। यहाँ की इंटरनल इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका खामियाजा ये हो रहा है कि जो हम इंपोर्ट पर ज़्यादातर निर्भर है, क्योंकि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 85% तक इम्पोर्ट करते हैं, उस वजह से महंगाई बढ़ने का डर है, चाहे वो खाने का तेल हो, कच्चा तेल हो या फिर सोने वगैरह चीज़ हो, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो जो इम्पोर्ट पर जो निर्भरता है उस वजह से महंगाई बढ़ने का डर है। हालांकि इसका फायदा यह है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां हैं उनको इसका फायदा भी होगा, आईटी और फार्मा कंपनियों को इसका फायदा भी हो सकता है। अगर आज के गिरावट की बात करें तो 24 फरवरी के बाद यह सबसे बड़ी इंट्राडे फॉल है, 1.11% की गिरावट दिखी है और रुपया 81 के बेहद करीब जा चुका है, $80.86 के स्तर पर बंद हुआ। तो एक बड़ी गिरावट है और जानकारों को लगता है कि आने वाले समय में भी इस तरह की गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। करेक्ट, ये गिरावट और कंटिन्यू रहने की संभावना दिखाई दे रही है, रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंच गया है रुपया। चलिए, रुपये का इंपैक्ट क्या होगा वो तो धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसा विश्वमोहन ने बताया कि महंगाई बढ़ने की चिंता जरूर रहती है। स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा शुरू करते हैं और आज सबसे पहले जो आज की दिन की बड़ी खबर थी उससे शुरुआत करते हैं। फोर्टिस के लिए IHH के ओपन ऑफर में और देरी होगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज कंपनी को झटका लगा है। इस खबर के डिटेल्स क्या है, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, बता रहे हैं मेरे सहयोगी दानिश आनंद। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित लेड बेंच ने डाइची की प्ली को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, और ये जो मामला था इसमें डाइची IHH और फोर्टिस की डील को चैलेंज कर रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी ऑर्डर करा है कि इस पूरे मामले पर एक फॉरेंसिक ऑडिट होगा। और जहां तक ओपन ऑफर के मामले की बात आती है, ओपन ऑफर पर जो स्टे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया है वो अभी कंटिन्यू होगा, और जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये मामला वापस दिल्ली हाई कोर्ट को रेफर हो गया है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ही फॉरेंसिक ऑडिटर्स को चूज करेगा, और साथ ही साथ जो ओपन ऑफर का मामला है उस पर भी दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले को सुनेगा। और इसका कारण ये है फॉरेंसिक ऑडिट देने का कि जब पिछले साल तक इस मामले में सुनवाई हो रही थी तो तब सुप्रीम कोर्ट में के सामने ये चीज़ नोटिस की गई थी कि उनके एक रिस्ट्रिक्शन लगाने के बावजूद भी कुछ तरह की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो उसी मनी ट्रेल को चैलेंज करते हुए और उसी मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए कि कैसे ट्रांजैक्शंस हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के रिस्ट्रिक्शन लगाने के बावजूद, तो वो फॉरेंसिक ऑडिट से सामने आएगा। लेकिन ऑल ओवर अगर हम देखें तो इस मामले को वापस सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट को रेफर कर दिया गया है, और
दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले के की डिसीजंस लेगा, जैसे कि ओपन ऑफर को स्टे कब तक उस पर कंटिन्यू रहेगा ये मामला भी दिल्ली हाई कोर्ट में सुना जाएगा, और इस पूरे ही मामले के फॉरेंसिक ऑडिट के बाद चीज़ें जो सामने निकल कर आएंगी उस पर भी एक की फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ही लेगा। लेकिन ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो टॉप कोर्ट ने डाइची की प्ली को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, मामला को वापस दिल्ली हाई कोर्ट में रेफर कर दिया है और फॉरेंसिक ऑडिट भी ऑफर करा है, और ओपन ऑफर के स्टे की जो बात आती है वो ओपन ऑफर पर स्टे जो है वो अभी कंटिन्यू होता रहेगा। बिल्कुल रवि, आपने भी ये खबर देखी होगी, बाजार को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक समय पर फोर्टिस का स्टॉक 20% भी नीचे था, जाकर 15% नीचे बंद हुआ है। क्या लगता है, आपने क्या मेकआउट किया इस आज के डेवलपमेंट के बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब इस तरीके की कोई कंट्रोवर्सी हो और मैं एक आम इन्वेस्टर हूं तो मैं दोनों के फसाद में नहीं पड़ूंगा और उससे बाहर रहूंगा, वो बेस्ट स्ट्रेटजी है। आप इस स्टॉक को अपनी ट्रेडिंग लिस्ट से भी कुछ दिन के लिए हटा दीजिए। लेकिन सवाल उठता है कि अगर आपने इस स्टॉक में अपनी पोजिशन रखी है या ऐसा है कि आप निवेश करके फंस चुके हैं, तो देखिए सिंपल है कि इस तरीके की कॉन्ट्रोवर्सीज में मार्केट में जल्दी 30-35% तक का करेक्शन देखने को मिलता है। 15% का करेक्शन आज ही देखने को मिला था, और बहुत से ऐसे इन्वेस्टर है जिन्हें लगता है कि जब 20% का करेक्शन आ गया चलो यहाँ पे बाय कर लेते हैं, अभी यहाँ से तो बढ़ जाएगा। इस टाइप की थिंकिंग कभी भी स्टॉक में नहीं रखिए। अभी फिलहाल जो फोर्टिस का जो ये मामला है, अगर फॉरेंसिक ऑडिट होता है उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर काफी डिपेंडेंसी बनेगी स्टॉक के परफॉर्मेंस की। फंडामेंटल इसके खराब नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रोवर्सियल स्टॉक्स में आप हाई वोलेटिलिटी में फंसते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अवॉइड करना चाहिए इन्वेस्टमेंट से। अगर आपके पास पहले का है तो एक बार को निकलिए, क्योंकि ये स्टॉक अगर देखते हैं तो 250 के नीचे जाने के बाद सेंटिमेंट भी खराब होने लगेंगे और बड़ी सेल ऑफ यहाँ पर देखने को मिल सकती, तो मुझे लगता है अवॉइड करना ज्यादा अच्छा हो। चलिए बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी, जहां पर कंट्रोवर्सी हो वहां से खुद को दूर रखें तो बेहतर है, फिलहाल अवॉइड करें। अगर ये स्टॉक है भी आपके पास तो रवि कह रहे हैं कि आप इस स्टॉक से निकलिए, क्योंकि पता नहीं है ये स्टॉक और कितना नीचे जाएगा, तो खबरों में ये स्टॉक था इसलिए इस पे सलाह लेना बिल्कुल बनता है। आज हमने कुछ और स्टॉक भी देखे जिनसे दबाव बना बाजार पर। देवांग, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, बैंकिंग में हमने देखा कि आज HDFC और HDFC बैंक, ये दोनों बाजार पर काफी ज्यादा दबाव बना रहे थे, अगर इन दोनों के चार्ट आप देखें और बताएं कि क्या मूव बन रहा है दोनों में अब? HDFC बैंक की बात करें तो अगर हम थोड़ा मीडियम टर्म चार्ट को देखें तो अभी भी ट्रेंड जो है हार्ट ऑफ हार्वर्टम चार्ट स्ट्रक्चर में, यस डेफिनेटली आज हमने करेक्शन देखा है, बट यहाँ पे हमें लगता है कि एक सपोर्ट जोन के पास है 1450, ये एक इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है HDFC बैंक के लिए, तो यहाँ से हमें रिवर्सल देखने मिलता तो खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1450 का। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं वो 1535 तक के जोन तक लेवल देखने मिल सकते हैं HDFC बैंक। HDFC में क्या कॉल होगा? HDFC लिमिटेड की बात करें तो डेली चार्ट में देख रहे तो एक कंसोलिडेशन जोन में काफी एक रेंज में चल रहा है, तो यहाँ पे लेवल्स की बात करें तो 2390 ये एक सपोर्ट जोन है, और रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 2470 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, तो जब ये लेवल के बाहर निकलता है ये ब्रेकआउट देता है तभी उसके बाद उसमें एंट्री की सलाह रहेगी। ओके, तो बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी, यहाँ पर ब्रेकआउट जोन के बाहर निकले उसके बाद एंट्री कीजिए HDFC में, और HDFC बैंक में भी स्टॉप लॉस और टारगेट जो आपको बताए हैं देवांग ने वो फॉलो कीजिए, नीचे के इस लेवल पर खरीदारी की सलाह बन सकती है। एक और स्पेस जो काफी हलचल में है वो है सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट, जहां पर जोरदार हलचल देखने को मिल रही है कैंपा कोला के अधिग्रहण के साथ। हमने देखा अब रिलायंस ने भी मार्केट में एंट्री ले ली है, कोल्ड ड्रिंक्स का मार्केट क्यों हॉट हो रहा है बता रहे हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहने वाला है थम्सअप, और यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि कंपनी की जो मार्केट शेयर है एक दशक की हाई पे आ गई है लगभग 20% के, भारत में जो है $1 बिलियन से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन जो है कर रही है सेल्स में। अफकोर्स ये सबसे बड़ी ब्रांड है कोका कोला की इंडिया के ब्रांड में, और बड़े ब्रांड के दिग्गज जो हैं यहाँ पे इनके एंडोर्स करते हैं, और इसके अलावा मार्केट शेयर में भी जो है अब थम्सअप में बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिली है। रिलायंस रिटेल भी अब फोकस में रहने वाला है, और उन्होंने जो है कैंपा कोला ब्रांड की जो कोला है उस पे जो है उन्होंने ब्रांड राइट्स की खरीदारी कर ली है 22 करोड़ में, और आगे जाते हुए जो है और भी नए लोकल ब्रांड्स को स्काउट कर सकते हैं, तो उसमें भी जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर देखने मिल रही है। अब ये तो बात रिलायंस रिटेल की हुई, लेकिन वरुण बेवरेजेस भी फोकस में रहेंगे, और इस पे भी जो है आप देख सकते हैं कि पेप्सी की बॉटलिंग की काम करती है ये कंपनी, और यहाँ पे भी जो है
एक प्रोबेबल कैंडिडेट है जहाँ पे MSCI इंक्लूजन आ सकता है कंपनी का स्टॉक मार्केट में। और इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में जो है बिहार में एक बॉटलिंग प्लांट भी खोली है, और देखा जाए तो कैपेक्स का भी जो है लगभग 1200 करोड़ का जो है अनाउंसमेंट किया गया है, और आगे जाते हुए जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है, क्षमता विस्तार, वो लगभग 30% से बढ़ सकती है। अब आप वरुण बेवरेजेस की अगर थोड़ी फोकस करें कि इनकी वॉल्यूम्स कैसे बढ़ी है, तो आप देख सकते हैं कि पहले तिमाही में जो है 2021 में बात कर रहा हूँ कि वहाँ से जो है ग्रोथ शुरू हुई है 10.6 करोड़ केसेस का, अब वो बढ़ते गई है। अब 2022 के भी आंकड़े अगर देखें तो वहाँ पे भी जो है एक टाइप से ग्रोथ देखने मिली है। हालांकि चौथे तिमाही में ज़रूर जो विंटर सीज़न आते हैं वहाँ पे थोड़ी कम आती है, लेकिन आगे जाते हुए देख रहे हैं रिकॉर्ड हाई पे केसेस चल रही है जहाँ पे बिक्री देखने मिल रही है, और अब फेस्टिव सीजन भी आ रहा है तो सॉफ्ट ड्रिंक का जो पूरा स्पेस है वो पूरा बज कर रहा है, पूरा स्पेस बजिंग होता दिखाई दे रहा है और वरुण बेवरेजेस को उसका फायदा मिल रहा है। रवि, कई एक्सपर्ट से हमने बात की, बाजार के कई बड़े फंड मैनेजर दिग्गज वरुण बेवरेजेस को अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं। ये स्टॉक अब मल्टी ईयर हाई पर भी चल रहा है, आपकी लिस्ट में ये स्टॉक है या नहीं? जी बिल्कुल, इसका टारगेट हमने लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1350 का दे रखा है और अभी काफी अच्छा यहाँ पर बढ़ चुका है। आज भी 4% की रैली देखने को मिली है, लेकिन अगर आपकी रैली बढ़ चुके हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। दो और ऑप्शन यहाँ पे मैं दे सकता हूँ जो आपको ज्यादा अट्रैक्शन दे सकते हैं, एक है टाटा कंज्यूमर और दूसरा है ब्रिटानिया, जिनमें की अच्छा मूवमेंट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो बेटर है कि ये तीनों स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, और अगर इंट्राडे की ट्रेडिंग का मजा लेना चाहते हैं, प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आप वरुण बेवरेजेस और टाटा कंज्यूमर पे फोकस कर सकते हैं, इनको बाय करके चल सकते हैं। और अभी के मोमेंटम में भी देखते हैं तो 1350 तो बहुत इजीली अचीव हो सकता है, टाटा कंज्यूमर भी यहां से कम 1250 तक ऊपर की रैली दिखा सकता है, तो मुझे लगता है आपको इसको फोकस करना चाहिए। चलिए, तो सिर्फ वरुण बेवरेजेस ही नहीं, यहाँ पर टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया, ये दो स्टॉक्स और हैं जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। ये जो फायदा मिल रहा है मूव का इस पूरे सेक्टर को, और पोर्टफोलियो बनाइए तो बेटर ऑप्शन होगा। एक और स्पेस जिसमें हमने काफ़ी बस देखा था वो था आज जो जूतों के कंपनियाँ हैं, चाहे वो कैंपस शूज़ हो, उसमें हमने 4-5% तेज़ी देखी। मेट्रो में अच्छी खरीदारी थी, बाटा में खरीदारी ठीक ठाक हो रही है। देवांग, क्या ये जो 2-3 स्टॉक है इनमें से आपको लगता है कोई पिक करना चाहिए अब ट्रेडर्स को? अगर हम बाटा की बात करें तो बाटा में हम देख रहे हैं कि एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है, प्रीवियस जो सपोर्ट था वहां से एक हमने रिबाउंड देखा है, तो बाटा खरीदने के सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 1845 का, जो अपसाइड लेवल हमें देखने मिल सकते हैं वो है 1970 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं बाटा इंडिया में। यहाँ पर 1970 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखिए। एक और स्पेस जो बजिंग है वो है एयरलाइंस की। स्पाइसजेट ने पायलटों की अक्टूबर महीने से 20% सैलरी बढ़ाने की घोषणा की है। पिछले महीने भी एयरलाइन ने पायलटों की 6% सैलरी बढ़ाई थी। इस खबर पर और डिटेल दे रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। स्पाइसजेट एयरलाइन को लेकर के एक बड़ा डेवलपमेंट, स्पाइसजेट एयरलाइन के टॉप मैनेजमेंट ने अपने पायलट्स को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी को ईटी नाउ स्वदेश ने देखा भी है। उस चिट्ठी में सभी पायलट्स की अक्टूबर महीने की तनख्वाह को 20% एयरलाइन बढ़ाने जा रही है, यानी कि 20% सैलरी हाइक पायलट की सैलरी में अक्टूबर से हो जाएगी। और इसके पहले भी यानी कि पिछले महीने भी एयरलाइन ने पायलट्स की सैलरी में 6% की वृद्धि करी थी, तो कुल तकरीबन 26% की सैलरी में बढ़ोतरी एयरलाइन ने अपने पायलट्स में की है। ये इन तमाम खबरों के बीच में है कि जब हमने देखा कि हाल में एयरलाइन ने अपने 80 पायलट को लीव विदाउट पेपर भेजा हुआ है, लेकिन जो भी पायलट्स फिलहाल एयरलाइन के साथ जुड़े हुए हैं उनकी सैलरी में ये बढ़ोतरी करके उनको इंटैक्ट रखने की एयरलाइन की यहां पर कोशिश साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन ये सब कुछ कवायद इसलिए भी है क्योंकि एयरलाइन को ECLGS स्कीम के तहत जो फंड मिलना है उसकी पहली किस्त फर्स्ट ट्रांच मिल चुका है। सूत्रों के मुताबिक जो फर्स्ट ट्रांच है वो तकरीबन 100 करोड़ रुपए से लेकर के 125 करोड़ रुपए तक है, और उसका पहला ट्रांच पिछले हफ्ते ही एयरलाइन को मिल चुका है, जबकि अगले हफ्ते जो उसका सेकंड या बाकी का हिस्सा है वो भी मिल जाएगा। स्पाइसजेट एयरलाइन को ECLGS स्कीम के तहत 223 करोड़ रुपए मिलना है, जिससे एयरलाइन की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार देखने की उम्मीद जताई जा रही है। यही नहीं, जो चिट्ठी पायलट्स को लिखी गई है उसमें हमने ये भी देखा कि दो और बातों का जिक्र किया गया है। सबसे पहली बात यह है कि जो TDS है वो भी एयरलाइन अगले 2-3 हफ्तों में जमा कर देगी, ये एक पॉजिटिव साइन यहां पर एयरलाइन की तरफ से नजर आ रहा है। और जो
पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो भी एम्प्लॉयज का जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत जल्द क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से एयरलाइन ये भी इशारा करने की कोशिश कर रही है कि एक तरफ भले ही जो वैल्यूबल टैलेंट है उसको रिटेन करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी फ्लाइट ऑपरेशंस में कोई दिक्कत ना आए, और साथ ही साथ जो पैसा जो मिल रहा है एयरलाइन को वो सही दिशा में उसका इन्वेस्टमेंट कर रही है, सही दिशा में उस पैसे को लगा रही है। तो स्पाइसजेट एयरलाइन के बीते दिनों कुछ नकारात्मक खबरों के बीच में पायलट्स के लिए ये सकारात्मक खबर है कि एयरलाइन अपने पायलट्स की सैलरी में 20% की बढ़ोतरी अक्टूबर महीने से करने जा रही है। ओके, तो यहाँ पर स्पाइसजेट की तरफ से एक खबर आ रही है, हालांकि स्टॉक में हमने देखा कि आज 3.5% तक की गिरावट देखने को मिली थी। चलिए ये पता करते हैं हमारे मेहमानों से कि कल का जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें कौन से स्टॉक्स पर वो फोकस करने वाले हैं। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। बिल्कुल, चलिए देवांग से करते हैं शुरुआत। देवांग बताइए कौन से स्टॉक्स पर कल रहेगा फोकस आपका। यहाँ फर्स्ट स्टॉक होगा सन फार्मा का। हमने ओवर लिखा है कि एक काफी अच्छा पैटर्न बना है सन फार्मा में। जो करेक्शन हुआ था वो एक 89 को सपोर्ट लेकर वापस रिबाउंड देखने मिला है, तो सन फार्मा खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 892 का, टारगेट है 934। नेक्स्ट होगा मारुति सुजुकी। ओवरऑल हम चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बुलिश पैटर्न है स्टॉक के अंदर। यहाँ पे मारुति खरीदने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 9184 का, टारगेट है 9692। ओके, तो ये तो बेहतरीन स्टॉक्स यहाँ पर देवांग की तरफ से आ रहे हैं। मारुति बड़ी कार कंपनी, यहाँ पर कर सकते हैं आप खरीदारी, और साथ ही साथ सन फार्मा जहाँ पर भी पोजीशन लॉन्ग रहनी चाहिए। रवि आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे? देखिए मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा है तो ऐसे स्टॉक निवेश करने में ज्यादा फायदा है जो थोड़ा स्टेबल हो। पहला स्टॉक है मुंजाल ऑटो। अगर आप देखेंगे तो ऑटो एक्सलरी में काफी दमखम रखता है, नंबर्स काफी अट्रैक्टिव हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये स्टॉक धीरे धीरे करके आपको अपसाइड का मोमेंटम भी दिखाता जा रहा है। आज भी स्टॉक ने पॉजिटिव मूव रखा है यहाँ पर गिरते हुए मार्केट में भी, और अभी 70 रुपए तक की रेंज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। छोटा स्टॉक है लेकिन बड़ा पटाखा है, तो आप इसको यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दूसरे स्टॉक की बात करें आईटी टेक्नोलॉजी में, तो बहुत से स्टॉक्स वैसे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन केपी आईटी टेक्नोलॉजीज यहां पर अपने नंबर्स के बूते पर थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इसी वजह से उसमें भी एक अपट्रेंड यहां पर बन रहा है। अभी की बात करें तो 780 के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, और लॉन्ग टर्म पे ये स्टॉक काफी अच्छा है। तो ये दो स्टॉक है जो कि आप इंट्राडे के हिसाब से आप गिरते मार्केट में भी खरीद सकते हैं, और अगर इंट्राडे में बुक भी करना है तो आपको कई मौके मिलेंगे जहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो छोटी कंपनी और बड़ा पटाखा, यहाँ पर ऐसा एक स्टॉक लेकर आए हैं मुंजाल ऑटो। रवि ये इस पर आप कर सकते हैं फोकस, और साथ ही साथ केपीआईटी टेक, ये दो कंपनियां जिनमें खरीदारी की सलाह रवि की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज कार्यक्रम में शामिल होकर हमसे चर्चा भी करने के लिए और अपने स्टॉक आइडियाज भी शेयर करने के लिए। चलिए कल की तैयारी में मुझे और पूरी टीम को भी दीजिए इजाजत। हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।